नमस्कार, के आर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश द्वारा 18 दिसंबर को संगठन का प्रांतीय अधिवेशन एवं स्वर्ग रजत समारोह अंबेडकर मैदान भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। शिक्षा कर्मी के रूप में वर्ष 1998 से 25 वर्ष का सफर तय कर चुके इस संवर्ग ने शिक्षा कर्मी संविदा शाला शिक्षक अध्यापक गुरुजी संविदा शाला शिक्षक के अलग अलग नामों से होकर वर्तमान में राज्य शिक्षा सेवा में ठिकाना तो पाया, परंतु मूल शिक्षा विभाग की आकांक्षा अभी भी इस संवर्ग की अधूरी रह गई। शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति संवर्ग की सेवा अवधि की गणना उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए वरिष्ठता मान की जावे सहित ग्रेजुएटी क्रमोन्नति पदोन्नति बिना शर्त अनुकंपा नियुक्ति पुरानी पेंशन बहाली एवं अन्य संवर्ग हितैषी विसंगतियों को शासन के समक्ष प्रस्तुत कर संवाद के द्वारा उनका निराकरण करना है। संगठन के संभागीय अध्यक्ष राजेश पांडे एवं महेश विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष का कहना है कि उक्त मांगों के निराकरण हेतु कार्यक्रम स्थल अंबेडकर पार्क सेकेंड स्टाफ टीटी नगर न्यू मार्केट भोपाल से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सरकार से संवाद कार्यक्रम को सफल बनाए। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा, गृहमंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा, शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार, महापौर मालती राय को आमंत्रित किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।